राम राम जी, क्या आप जानते हो हम दिन में जो भी छोटी मोटी एक्टिविटी मतलब कुछ भी काम करते हैं उनमें से बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है जो कि दिखने में बहुत छोटी होती है लेकिन हमारी बॉडी का सत्यानाश, बुद्धि को छोटी करने में इन एक्टिविटी का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे कि हर 5 मिनट बाद जेब से मोबाइल निकाल कर चलाना, कुछ लोगों में आदत होती है, ये मेरे में भी है, हर 5 मिनट बाद जेब से मोबाइल निकालना, मैसेज चेक करना, कुछ भी चलाना बार बार। लेकिन जब ये आदत मैं छोड़ देता हूँ तो मैंने महसूस किया है कि जब मैं एक दिन फ़ोन ना चलाऊँ, पॉजिटिव रहूँ, अगले दिन वर्कआउट के टाइम जिम में मेरा एनर्जी लेवल हाई रहता है। ये मैंने खुद महसूस किया है। आप एक दिन पॉजिटिव रहो, अगर मोबाइल चला रहे हो तो कुछ अच्छा देखो, मल्टीटास्किंग मत करो, पॉजिटिव देखो, हर चीज़ में पॉजिटिव रहो तो आपको अपने एनर्जी लेवल में बहुत फ़र्क दिखेगा। उसके बाद और भी बहुत सारी एक्टिविटी है जैसे कि गलत सोचना, किसी को लेकर मतलब अश्लील सोचना, किसी के बारे में अश्लील बातें करना। पूरे दिन में जब आप किसी के बारे में भी अश्लील सोचते हो बार बार तो इससे हमारे शरीर में ओजस का विनाश होता है। ओजस एक ऐसी धातु है जिससे हमारा शरीर और बुद्धि चमकती हैं। इसके अलावा ज़्यादा बोलना, दुखी रहना, बहुत सारी एक्टिविटी है लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो सब एक्टिविटी अगर आप दिन में अपनाते हो तो भाई आप खुद महसूस करोगे कुछ दिन बाद आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहने लग जाएगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपका वर्कआउट करने का दिल करेगा, आपकी बॉडी ग्रोथ बढ़नी चालू हो जाएगी, एकदम से बुद्धि बलवान बननी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे फायदे। पहली एक्टिविटी, विचार रोको। देखो हर एक इंसान, जब कोई भी आप हो या कोई भी जब फ्री होता है तो उसके दिमाग में विचार चलने शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव भी चलते हैं, नेगेटिव भी चलते हैं, नकारात्मक विचार, पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरह के थॉट्स चलते हैं और फिर वो विचार बुद्धि का तो सत्यानाश करते ही है, साथ में शरीर की एनर्जी भी खाते हैं। क्योंकि देखो आपने खाना खाया, खाने से आपको ऊर्जा मिली, लेकिन अगर आपके दिमाग में पूरा दिन कुछ ना कुछ विचार चलते रहेंगे फालतू के तो भाई आधी ऊर्जा भोजन की इसी में चली जाएगी और बुद्धि का नाश होगा वो अलग। कभी भी आप देखना, जो लोग कम सोचते हैं खुश रहता है, जो इंसान शांत रहता है उसकी बॉडी आपको तगड़ी मिलेगी। हमारा जो बॉडी ग्रोथ हार्मोन है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, बॉडी ग्रोथ हार्मोन, वो जब डाउन जाता है जब हम नकारात्मक सोचते हैं। और शास्त्रों में भी लिखा है जिस इंसान का दिमाग शांत है, विचारों से मुक्त है, वहाँ ईश्वर वास करते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने विचारों को रोककर जीरो पर लेकर आने की कोशिश करनी है। वो कैसे होगा वो समझो। एक तो भाई सुबह आपको ध्यान करना है, ब्रह्म मुहूर्त के समय हर रोज गायत्री मंत्र और उपासना मेडिटेशन से अपना दिन की शुरुआत करो। इससे आपके विचारों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी, आप बिल्कुल शांत रहना शुरू कर दोगे, आपके शरीर की ऊर्जा का संरक्षण होगा, एनर्जी लेवल हाई होगा। और कोशिश करो जब भी विचार आए तो आप व्यस्त हो जाओ किसी भी काम में, और जब भी कोई विचार आए तो उसको सकारात्मक तरीके से सोचो, फिर आप खुद महसूस करोगे आपके दिमाग के अंदर सकारात्मक ऊर्जा कैसे आएगी। दूसरा, जल्दी उठो, नींद खत्म करो। देखो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना है हमेशा, हो सके इस समय उठकर आप वर्कआउट करो। वर्कआउट शाम को करते हो तो इस समय आप सैर करो, बादाम रगड़ा बनाओ, दिन के लिए बहुत पावरफुल चीज़ है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि सुबह उठेगा कौन इतनी जल्दी। अब जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जब मैं बात बोलता हूँ कि सुबह कैसे उठे, नींद पूरी नहीं होती या फिर नींद आती है सुबह, ऐसे। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो करने से आपकी 1 सेकंड में नींद उतर जाएगी और आप चार्ज हो जाओगे पूरे दिन के लिए। ये एक्टिविटी आपको उठते ही करनी है। जैसे ही आप उठते हो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मतलब वाइब्रेट करना है, शरीर को हिलाना है थोड़ा सा उठने से पहले। उसके बाद उठकर आंखें बंद करके गायत्री मंत्र बोल के आपको हाथों को इस तरह मसलना है, दोनों हाथों को, और अपनी आंखों पर ऐसे लगा देना है जब हाथ गर्म हो जाए, मतलब 5 सेकंड तक घिसना है हाथों को और अपनी आंखों पर लगा देना है और फिर आपको आंखें खोलनी है। जब आप आंखें अपनी खोलोगे ये करने के बाद तो आप देखना 1 सेकंड के अंदर आपकी नींद भी गायब हो जाएगी और ऊर्जा आपके अंदर आएगी एकदम से, और फिर आपको नींद नहीं आएगी दोबारा। चौथा, व्यायाम। आप जब भी दिन में कभी भी फ्री बैठते हो, देखो कोई ना कोई समय ऐसा आ जाता है जिसमें इंसान बिल्कुल फ्री हो जाता है, कोई आसपास नहीं होता और फिर कुछ से कुछ सोचने लग जाता है या फिर मोबाइल चलाने लग जाता है बिना किसी मतलब के, तो भाई ये एक योग है व्यायाम। नाखून रगड़ने होते हैं इसमें, नाखून को रगड़ना, अपने नेल्स को रबिंग करना। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आप सर्च कर लो, समझ जाओगे। बाबा रामदेव भी इसके बारे में बताते हैं। तो मतलब जब भी आप फ्री होते हो तो आपको नाखून रगड़ने हैं। इसका इतना बड़ा फायदा होगा ना भाई कि आप हैरान रह जाओगे। इससे एक तो आपका माइंड शार्प होगा, फोकस अच्छा होगा, बाल आपके खूबसूरत बनेंगे, आपकी मोबाइल की आदत छूटेगी, फोकस बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा और फोकस पर ही दुनिया टिकी है। अगर अपनी चैनल की कैटेगरी के हिसाब से बात करूँ तो भाई जिसका फोकस अच्छा है ना वो 1-2 महीने की ट्रेनिंग में अपने इतने अच्छे मसल्स बना लेगा, आप हैरान रह जाओगे जिसका फोकस अच्छा होता है। मैंने खुद मतलब महसूस की है ये चीज़। जिस दिन मैं फोकस के साथ, बिल्कुल अच्छे फोकस के साथ वर्कआउट करता हूँ ना, उस दिन मसल्स में जो पंप होता है वो डबल होता है, बहुत अच्छा खासा होता है मतलब। तो इस चीज़ को भाई महसूस करो। और अगली चीज़ आपको ध्यान देनी है, जितना हो सके उतना कम बोलना है, मतलब कि
जरूरत हो उतना ही बोलना, ये नहीं है कि बिना बात के बोले जा रहे हो, ऊर्जा खर्च करने वाली बात मत करना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है, ये है मास्टरबेट। मास्टरबेट बिल्कुल नहीं करना, ये एक ऊर्जा है, अगर इसी को ख़त्म करोगे तो ये तो इस ऊर्जा के सामने ये कुछ नहीं है भाई, ये सबसे पावरफुल ऊर्जा है, इसको बचाओगे तभी इनका फ़ायदा है, तो इस ऊर्जा को भी बचाओ। और इन पॉइंटों को अगर आप फॉलो करते हो तो भाई आप हैरान रह जाओगे, इतने अच्छे जीनियस दिमाग से और बॉडी इतनी सुंदर बन जाएगी आपकी। बस अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।